नेशनल हाईवे में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के समीप सड़क पर हुए गड्ढे और निकली गिट्टियां दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही है। यहां आते ही वाहन चालक एकाएक ब्रेक लगाते हैं, जिससे पीछे से आ रहे दूसरे वाहन चालक ब्रेक लगाए वाहनों से भिड़ जाते हैं। कुछ माह पूर्व नेशनल हाईवे में जगह जगह जर्जर हो चुकी सड़कों का संधारण कार्य कराया गया था। इस कार्य के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला के समीप नेशनल हाईवे में हुए गड्ढे और निकली गिट्टियों को बराबर करने के साथ सड़क के संधारण कार्य को छोड़ दिया गया था, जो अब वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। उबड़ खाबड़ सड़क और उसमें निकली गिट्टियों को दूर से आ रहे वाहन चालक देख नहीं पाते और पास आते ही एकाएक ब्रेक लगाते हैं, जिसकी वजह से पीछे से आ रहे दूसरे अन्य वाहन चालक ब्रेक लगाए वाहनों से भिड़ जाते हैं। आए दिन ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। विशेषकर दोपहिया चालक आए दिन यहां गिरते हैं, जिन्हें स्थानीय दुकानदारों द्वारा अस्पताल ले जाया जाता है। रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। अंधेरा होने की वजह से नेशनल हाईवे की जर्जर स्थिति दूर से नजर नहीं आती, जिसका खामियाजा यहां तेजी से गुजरते दोपहिया चालकों को भुगतना पड़ता है। ये हम लोग आए दिन यहां दुर्घटना देखते हैं। रोड इतनी ख़राब है, इतनी गंदे के गड्ढे गड्ढे सब है। जैसे कोई आ रहा आगे वाला, सामने सकली ब्रेक जैसे मारा हो गड्ढे की वजह से, तो पीछे वाला उसको उड़ा देता है। और उड़ाता है तो हम लोग यही सामने स्टैंड चलाते हैं, उठा के ले जाकर उसको हॉस्पिटल। किसी का घुटना टूटा रहता है, किसी का पैर टूट जाता है। और ये रोड को बनाने के लिए सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, और इसको जल्द अगर हो सके ना तो सरकार अगर सुन रही होगी तो जल्द से जल्द बनाए, नहीं तो आने वाले डेट में किसी की हत्या भी हो सकती है, मर सकता दब के। क्योंकि जो गाड़ियाँ चलती है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो छोटे गाड़ियों को कभी भी उड़ा सकती है और कई बार उड़ाई भी है, जिसको हम लोग हॉस्पिटल ले जाकर इलाज भी करवाएँ। एक तो का सियासा बोला था, एक तो अपना उतई का था, उसको ठोका था एक गाड़ी वाला, यहाँ पे उसका पूरा घुटना फट गया था, जैसे उसकी कटोरी दिख रही थी पूरे घुटने, और यहीं पर हुआ था केस। ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं, ये हम लोग अभी कंटिन्यू जो है, हम लोग ये सोचे थे रोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मगर ये कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ से जो भी गाड़ियाँ आ रही है बहुत फास्ट आती है, और सडनली ब्रेक मार के जब वो उधर राइट तरफ जब लेते हैं या लेफ्ट तरफ लेते हैं, गाड़ी का थोड़ा बैलेंसिंग बिगड़, लेफ्ट राइट करने के चक्कर में पीछे वाली जो गाड़ियाँ आती है थोड़ा बैलेंस बिगड़ने से, मतलब डेली मतलब घटना हो रही है। एक्सीडेंट उसका होने का पूरा 100% चांस हो रहा है, और बार बार यहाँ जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर वही है, फिर हम ही लोग उठा के उनको ले जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। और यहाँ से प्रशासन से ये चाहता हूँ कि ये जो गड्ढे जो हुए हैं, इन रोड को पूरा कंप्लीट कर दें, ताकि आने वाले मतलब टाइम पे यहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम जो है दोबारा मत। नेशनल हाईवे में हुए गड्ढे और इसकी जर्जर हालत की स्थिति से कोई बड़ी दुर्घटना हो, इसके पूर्व यहां संधारण कार्य कराए जाने की आवश्यकता है, ताकि यहां से गुजरते दुपहिया वाहन चालकों को सुगम और सुरक्षित आवागमन का लाभ मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।